यूपी चुनाव संपन्न हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को शपथ ग्रहण लेंगे। फुल मैंडेट के साथ जनता ने इस बार चुना है। हमारे साथ नोएडा की जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार बीजेपी सरकार जनता के उन तमाम मुद्दों पर काम करेगी जो पहले मुद्दे थे, बेरोजगारी के, महंगाई के, उन मुद्दों पर क्या इस बार सरकार उन पर काम करेगी, क्या वो मुद्दे इस बार रहेंगे या वो मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? ओमकार पांडे। ओमकार पांडे जी, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, सीएम योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है प्रदेश में मुद्दा, और वो मुद्दा है उस पर काम भी होगा, मुझे आशा है काम होगा आपकी बार जी। इससे पहले भी किए लेकिन उतना मजा नहीं, लेकिन आपकी बार करेंगे। और महंगाई पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महंगाई इस बार सरकार कंट्रोल कर पाएगी? तो महंगाई सरकार के ऊपर नहीं है, युद्ध की वजह से चल रहा है। जो महंगाई है वो युद्ध की वजह से हो रही है, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लगातार जिस तरीके से 3-4-5 सालों से महंगाई चल रही थी, जनता कह रही थी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगार जो युवा है वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये मुद्दे क्या इस बार आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी समाप्त कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, मुझे विश्वास है। क्या क्या नाम है आपका? रमेश। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार जो है जनता के हित में काम कर पाएगी? देखिए 5 साल से तो यही देखते आदमी आ गया है जी, अब 5 साल और यही ना देखना है कि क्या कर रही है। महंगाई तो ऐसे आसमान छू रहा है, महंगाई तो छू रहा है आसमान जी, रोजी रोजगार के यही हाल है। जो यूपी के ग्रेट है, दिल्ली यूपी तो बांटा हुआ नहीं है, सटे हुए है, वहाँ के ग्रेट देखिए, यहाँ के ग्रेट देखिए, अच्छा आसमान जमीन के अंतर है ग्रेट। एक चीज़ बताइए, जैसे अखिलेश यादव ने भी तो चुनाव में कहा था कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो आप लोगों ने उनको मौका क्यों नहीं दिया? मौका तो उनको दिया ही गया था 5 साल। अखिलेश भैया सरकार में कुछ तो ऐसे रहे ना नेता जिनकी वजह सरकार नहीं आई, कुछ चमचे है ना वो लेकर डूब गए सपा को, जैसे आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन मुख्यमंत्री वो रहे थे, चेहरा उनका था प्रदेश में, मुख्यमंत्री हमसे मिलने हमसे बात करने नहीं आ रहे ना, हमसे तो यहाँ स्थानीय नेता बात करने आते हैं। योगी आदित्यनाथ बात करने आते हैं, तभी तो हमने वोट नहीं दिया, हम तो सपा में देते हैं इसीलिए। लेकिन जो मुद्दा है ना वो काम कर रही सरकार, काम गलत नहीं कर रही, काम सही कर रही है, लेकिन जो है सही है 5 साल देखो फिर आगे क्या होगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या इस बार सरकार की जो मुद्दे हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है, क्या उन मैनिफेस्टो के सारे काम इस बार 5 साल में पूरे किए जाएंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका सर? सौरभ। साहब क्या लग रहा है आपको कि इस बार जनता पूरे मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनाई है, बीजेपी की शपथ ग्रहण लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ 21 तारीख को, तो क्या लग रहा है कि इस बार और रोजगार के लिए और महंगाई के ऊपर कितना काम करेगी सरकार? देखो जी, हम एक बात कहेंगे, सपा की सरकार में कोई हम कलेक्टर थे ना, ना हमें घूमने वाली कुर्सी मिल रही, नए जज हैं भैया, पहले भी ऐसी कर रहे हैं, अब भी ऐसी कर रहे हैं, ठीक है जी। पर हाँ, इतना थोड़ा गुंडाराज खत्म हो गया उससे, ठीक है ना, भैंसे बंदी रहती थी कनपट्टी पर कन लगा कर, उसी से कहते हैं हाँ भाई खोल इन्हें, खुलवा के ले जाओ यहीं, ठीक है। पर उस चीज़ से बच रहे हैं, ठीक है, पार्क में फ़ोन छीन ले, रस्ते में जा रहा कोई आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की सरकार वो गलत आई है, रोजगार मिलेगा ऐसी बात नहीं। अब तुम देख भी रहे हो कि बीजेपी की सरकार में क्या होने वाला है, पिछले 5 साल आप देख चुके, जिस तरीके से महंगाई पहले पिछले 5 साल में रही है, बेरोजगारी का आलम ये रहा है कि नौजवान हताश परेशान और निराश रहा है, लगातार मांगे कर रहा है। इलाहाबाद में आपने देखा भी कि जिस तरीके से डंडे चलाए गए प्रशासन के द्वारा, तो उन मुद्दों पर क्या इस बार बीजेपी सरकार कितना खरा उतर पाती है? देखो जी, एक ये बात बताओ, जनता ही बताएगी। और जिस तरीके से सरकार ने बार बार अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम इस बार 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, बीजेपी ने कहा है, तो क्या इस बार आप लोगों को लग रहा है कि रोजगार मिल पाएंगे? देखो जी, मांग हो चाहे कुछ हो, लेकिन मांग ना तो माँ बाप पूरी कर पाते बच्चे की, ना ही सरकार पूरी कर पाएगी। पहला बंदा साइकिल पर घूम रहा उसे मोटरसाइकिल चाहिए, जो मोटरसाइकिल पर घूम रहा उसे कार चाहिए, ठीक है, और जो अल्टो गाड़ी में घूम रहा उसे मर्सिडीज चाहिए। तो कहीं किसी की कोई लिमिट नहीं है मांगने की, जिसके द्वारा जो भी है उसे वो भी थोड़ा लगता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अब ये तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार आकर तुम्हें तुम्हारे बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, या तुम्हारी बेरोजगारी का तुम्हें बंगला ये दे देगी, ठीक है, देखना पड़ता है ना हर चीज़। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि इस बार
बीजेपी की सरकार बन गई है, आप लोगों ने अखिलेश यादव को क्यों मौका नहीं दिया? उन्होंने भी तो लगातार वादा किया कि हम हमारी सरकार बनेगी तो 11 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और भी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे, तमाम बातें उन्होंने भी कहा, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास क्यों नहीं जताया? अखिलेश जी की नीतियों में और योगी जी की नीतियों में दिल्ली आसमान का फर्क है। योगी जी जी वो कहते वो करते, अखिलेश जी वादा करते पूरा नहीं करते। अब फर्क इतना है, हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाया, बीजेपी की सरकार महंगाई कंट्रोल करे और रोजगार दे। अभी तक रोजगार पे ना अखिलेश की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है, और महंगाई मेन मुद्दा है पब्लिक का। पब्लिक को चाहिए रोजगार और मुद्दा, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो। इस बार चुनाव में मंदिर भी एक मुद्दा रहा है, राम मंदिर भी एक मुद्दा रहा है, हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये मुद्दे जो हैं इस बार जिस तरीके से सरकार में योगी आदित्यनाथ को लेकर के आए हैं, उन तमाम मुद्दों पर सरकार काम करेगी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, उन तमाम मुद्दों पर सरकार ने काम किया, नेशनल के लिए काम किया, राष्ट्रीय धर्म के लिए सरकार ने काम किया, तमाम मुद्दों का समाधान भी किया, लेकिन पब्लिक को चाहिए रोजगार और महंगाई कंट्रोल हो। सबसे ज़्यादा मेन फंदा ये है, योगी सरकार जितना जल्द से जल्द महंगाई पे कंट्रोल करे तो उसका आने वाला भविष्य बेटर रहेगा, और रोजगार दे लोगों को, और मीडियम वर्ग के लोगों का जो दिहाड़ी मजदूरी जो होता है, इसके लिए अभी तक योगी सरकार ने भी नहीं कुछ किया, सिर्फ राष्ट्रीयता के नाते बीजेपी का लोगों ने साथ दिया और बीजेपी को जिताया जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सत्यवान सिंह। सत्यवान सिंह, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ 21 तारीख को शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता के लिए जो वो तमाम आशाएं हैं जनता के अंदर, सरकार से अपेक्षाएं हैं, किसी सरकार ने नहीं पूरी की है तो ये क्या पूरी करेंगे? जी, किसी सरकार ने नहीं पूरी की है तो ये क्या पूरी करेंगे? तो आप लोगों ने किस आधार पर इस बार फिर बीजेपी को चुना है? चुना तो है ही, बीजेपी को नहीं चुनते तो किसी और को चुनते, इसलिए बीजेपी को। अखिलेश भी आपके सामने थे, अखिलेश को भी एक बार मौका देते, देखते कि क्या वो प्रदेश के लिए क्या करते हैं। अखिलेश तो नंबर एक में गुंडागर्दी फैलाते थे, तो उन्हें क्या मौका देते? जनता ने इसीलिए मौका नहीं दिया जनता ने। अखिलेश गुंडागर्दी फैलाते हैं, क्यों ना फैलाते हैं? जब रोडों पे बलात्कार हो रहे हैं, मार के पेड़ों पर टांग दी जाती हैं लेडीजें, वो बलात्कार गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? उन्होंने तो कहा कि हम रोजगार के लिए तमाम साधन उपलब्ध कराएंगे जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो तो सब सरकारें कहती हैं। फैक्ट्रियां भी चलाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। हर सरकार कहती है उसके लिए, तो हर सरकार कहती है उसके लिए हम रोजगार देंगे, फिर क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। सरकार बनने के बाद हम अपना काम करते हैं, बात खत्म। जनता बेवकूफ है, वोट दे के चुतिया बन जाती, बात खत्म जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे। आप नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बनी है नौजवानों के लिए कुछ काम करेगी? बिल्कुल करेगी, जब बनी है तो सरकार तो काम करने के लिए बनती है। पिछली बार भी सरकार 5 साल रही है, तो आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे कि रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं, तो क्या इस बार लग रहा है आप लोगों को कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जब सरकार बनती है तो रोजगार तो मिलेगा, और एकदम से कोई अपना घर भी तो नहीं चला सकता एक साथ। देश तो बहुत बड़ा है, अपना आदमी परिवार में घर का एक सदस्य होता है, घर का मुखिया होता है, तो वो घर अपना सदस्य सारे संभाल नहीं पाता, घर के कोई ना कोई काम तो बिगड़ ही जाता है, तो वही भाई वही सरकार का भी वही है, बिल्कुल भी करता है। 5 साल घर है, कोई रोड बना रहा है। एक चीज बताइए, अखिलेश यादव युवा थे, युवाओं के प्रति उनका रुझान था, तो इस बार क्यों नहीं आप लोगों ने अखिलेश यादव को चुना? अखिलेश यादव को एक बार मौका दे करके देखते क्या उन्होंने वो रोजगार युवाओं के लिए क्या करते हैं, रोजगार के लिए कितना काम करते हैं। दिया तो मौका, 126 सीटें निकली और क्या मौका लेते? मौका तो दिया भाई, मौका दिया उन्हें, सरकार बनाने का मौका दिया उन्हें, नहीं बना पाई तो क्या किया जाए? सरकार 126 सीटें में नहीं बन जाएगी। अरे ना बन जाए तो वो उनकी मर्जी है, वो कैसे क्या करेंगे अब आगे? जनता ने पूरा मौका दिया। अच्छा, और बस बसपा सरकार बिल्कुल निल हो गई, मौका नहीं दिया तो फिर कहाँ से आ गई 126 सीटें? अगर मौका नहीं दिया तो वो कहाँ से आ गई 126 सीटें उनकी? जी नहीं, जैसे सरकार की बात है ना, कि सरकार आप लोगों ने फुल मैंडेट के साथ बीजेपी को दिया, तो बीजेपी उन तमाम जो वादे हैं क्या उनको पूरा करेगी? अब ये तो वो जाने करेगी या ना करेगी, हम कैसे कह दें कर देगी या ना जनता करेगी भाई? के अंदर तो जनता के जब जनसभाएं लगातार की गई तो बार बार ये कहा गया कि हम घर वाले माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? हमारा बच्चा आगे बढ़े और हमारी सबकी मुरादें पूरी करे जी। बाद में वो नहीं करता, माँ बाप को मारता पीटता, वो क्या वो उसको माँ बाप जानते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर
क्या लग रहा है आपको कि इस बार योगी आदित्यनाथ फुल मैंडेट के साथ फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, 21 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार की बेरोजगारी और जो महंगाई अहम मुद्दा है, क्या इस बार वो समाप्त कर पाएंगे? देखो क्या करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी तो कम होना चाहिए जी, देखो आगे क्या करते हैं भाई सरकार। आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी एक अहम मुद्दा रही हैं, और लगातार सरकार चुनाव प्रचार के दौरान सभी लोगों ने लगातार कहा है कि हम नौजवानों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, तो उसी के आधार पर आप लोगों ने उनको चुना है जी, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो आशाएं आप लोगों की पूरी हो पाएंगी? देखो अब पूरी होती है कि नहीं अब तो वही बता सकते हैं कुछ जी। अच्छा, आप लोगों ने अखिलेश यादव को क्यों नहीं मौका दिया? वो भी तो कह रहे थे कि हम 11 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी देंगे। क्या नाम है आपका सर? सन्नी। क्या लग रहा है आपको कि योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर इस बार काम कर पाएंगे? हाँ एकदम बिल्कुल करेंगे। महंगाई जो है मुद्दा है प्रदेश में, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या वो इस बार सरकार काम कर पाएगी उस पर? हाँ एकदम बिल्कुल करेगी, इसी वजह से तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, फिर होगा क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? राम सेवक। राम सेवक सर जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, और एक अहम मुद्दा रहा है सरकार का, हिंदू और मंदिर, इन मुद्दों के साथ भी चुनाव मैदान में बीजेपी रही है, और गरीब जनता के लिए भी लगातार सरकार ने कहा है, बीजेपी ने कहा कि हम गरीब जनता, गरीबी को हटाएंगे, प्रदेश को देश की एक बड़ी पहचान लेकर के आएंगे, नंबर वन बनाएंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? महंगाई कंट्रोल तो नहीं हो पाएगी, महंगाई और बढ़ेगी, जो चुनाव में खर्च हुआ है वो खर्च कहाँ से आए? एक विश्वास के साथ आप लोगों ने अपना मत दिया है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं उनको पूरा भी करना चाहिए। वो पूरा करेंगे, हरकस कोशिश करनी चाहिए उनको, जनता बेहाल है महंगाई से, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बार पहुँच गए हैं वो देखे आपने, और मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई पर ये कंट्रोल कर पाएंगे। और बेरोजगारी है, जब तक शिक्षा ख़त्म करे दे रहे तो बेरोजगारी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, जब शिक्षित ही नहीं रहेंगे आदमी तो रोज़गार कहाँ से मांगेंगे? कहाँ शिक्षक कहाँ ख़त्म हो रही है, क्यों सारे स्कूल तो पहले ही बंद हो जा रहे हैं? कोरोना के पीरियड चल रहे थे, कोरोना काल में सरकार हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, उनके लिए नहीं है कोरोना, खाली बच्चों के लिए कोरोना है भाई। अब एक बात बताइए, जब आदमी शिक्षित ही नहीं रहेगा तो रोज़गार नौकरी मांगे कैसे? तो वो पहले तो शिक्षा मुफ्त करनी चाहिए ने, जो मुफ्त का राशन दे रहे हैं, मुफ्त का सब चीज़ें, शिक्षा मुफ्त कर दें तो वो आदमी जब शिक्षित हो जाएगा रोज़गार अपने आप ढूंढ लेगा। 1 से 8वीं तक की शिक्षा तो मुफ्त सरकार ने की है बच्चों के लिए, जो सरकारी विद्यालय है उनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अरे मुफ्त शिक्षा कितनों को दी जाती है, कितने को? जो गरीब बच्चे हैं, ज़्यादा 20% को, 80% तो प्राइवेटों में पढ़ रहे हैं बच्चे भाई, 80% बच्चे गरीबों को पढ़ रहे हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं उन्हीं के लिए स्कूल बंद जी, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो खोल ही रहे हैं, तो महंगाई तो खत्म हो ही नहीं सकती। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि महंगाई बिल्कुल कम हो जाए, हमारा तो हमारी सैलरी बढ़ जाए। अच्छा भाई, काम अगर काम ज़्यादा होगा, रोजगार ज़्यादा होगा तो हमारी इनकम भी ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो हम अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, और हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या लग रहा है आपको इस बार बढ़िया आदित्यनाथ शपथ ग्रहण लेने वाले हैं किस जी, बहुत सॉलिड है। क्या लग रहा है, महंगाई इस बार कम हो पाएगी? महंगाई तो सब दिन से ऐसे चली आ रही, आज भी ऐसी चलेगी। अच्छा हाँ जी, तो आप लोग एक आशा और विश्वास के साथ उनको अपना मत दिया है जी, तो वो आशा और विश्वास कितना वो निभा पाते हैं, उन पर खरा उतर उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है ये। अच्छा हाँ जी, और बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी के तो शुरू से मार आ रही और आज भी मार है। अच्छा हाँ जी, नौजवान फिर क्या करेंगे? चुनाव में तो लगातार कहा जा रहा है जी कि हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को नौकरी देंगे। हाँ। बीजेपी ने भी कहा है कि 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, पर जब मौके पे मिल जाए तभी तो समझा जाए कि हाँ रोजगार आपने दिया है।
तो हमने नोएडा की जनता से जानने की कोशिश की कि क्या इस बार योगी आदित्यनाथ 21 तारीख को शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, वो शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री होंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, और क्या जनता के लिए वो कितना काम करेंगे, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं पर क्या इस बार सरकार खरा उतर पाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमने आज चर्चा किया है और ये जानने की कोशिश की है। कैमरामैन सरताज के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।